बिग बॉस के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क खत्म हो गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद सिर्फ दो कॉन्टेस्टेंट हैं जो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पूजा भट्ट को ये बात तय करनी थी कि कौन कितने कॉन्टेस्टेंट को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट करेगा। एक कॉन्टेस्टेंट 3 से ज़्यादा कंटेस्टेंट को नॉमिनेट नहीं कर सकता और इस बात का फैसला पूजा भट्ट लेंगी कि कौन कितने कंटेस्टेंट नॉमिनेट करेगा। गार्डन बना हुआ था एक्टिविटी एरिया में, जहां पर ग्रीन एंड रेड एप्पल थे। कार्य की शुरुआत में ही किसी एक को हरा एप्पल खिलाकर नॉमिनेशन से सेव करना था, जो पूजा भट्ट ने कर दिया फुकरा इंसान को। वहीं हम बात करें कि किसने किस किस को नॉमिनेट किया और कार्य के आखिर में सिर्फ 2 कॉन्टेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। तो कार्य की शुरुआत में ही सबसे पहले जैड हदीद को पूजा भट्ट ने 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए मौका दिया और जैड ने एल्विश, आशिका, मनीषा को नॉमिनेट किया। फिर बारी आई आशिका की। आशिका को मौका मिला सिर्फ और सिर्फ 1 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का और उसने नॉमिनेट किया है जैड हदीद को। एल्विश यादव को मौका मिला एक साथ 2 कॉन्टेस्टेंट को नॉमिनेट करने का, उसने किया बेबिका और अविनाश को। अविनाश को मौका मिला 2 कॉन्टेस्टेंट को नॉमिनेट करने का, उसने किया मनीषा और आशिका को। अभिषेक को मौका मिला सिर्फ 1 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का और उसने नॉमिनेट किया है बेबिका को। मनीषा को मौका मिला 2 कॉन्टेस्टेंट को नॉमिनेट करने का और उसने किया है अविनाश और जिया को। जिया को मौका मिला 2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का और उसने किया है मनीषा और आशिका को। वहीं बेबिका को मौका मिला 3 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का और उसने किया है एल्विश, मनीषा और आशिका को। तो कार्य के अंत में जिसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किया गया है उसमें है मनीषा रानी और आशिका भाटिया। यानी इस हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सदस्य हैं नॉमिनेशन में, आशिका और मनीषा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसका पत्ता इस हफ्ते घर से कटने वाला है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।